सिकी रावण बन रहा है। पर जब हम आगे जाके देखते हैं ना तो वो रावण नहीं कुछ हो। मैंने जैसा सोचा था ना वैसा ही हुआ। ये आपको अपनी एक गुफा की तरह मिलेगी और उसके ऊपर जो है पूरी सारी मछलियों से भरा रहेगा। हेलो गाइस, मैं हूं आपका कार्तिक मिश्रा और आज हम जा रहे हैं जमालपुर लुधियाना मेला देखने के लिए कि वहां पर जो है कितनी तैयारी हो चुकी है। तो संडे की शाम 5 बजे हम अपने घर से निकल जाते हैं लुधियाना का फेमस मेला देखने के लिए जो कि लग रहा है पूरे जमालपुर के एरिया में। मेरे हिसाब से तो ये लगता है कि 3 से 4 दिन में जो है मेला पूरा रेडी हो जाएगा और मेरी होप यही है कि वहां पर जाकर जब मैं देखूंगा तो आधा मेला जो है कंप्लीट हो चुका होगा। आगे जाते हैं, हमें मिलती है बहुत सारी गाय माता की। यहां पर एक बहुत बड़ा गौशाला है तो इस करके यहां पर जो है इतनी सारी गाय यहां पर घूमती रहती है। तो मेरा अंदाजा दोस्तों बिल्कुल सही था और दोस्तों मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। यहाँ पर जो है मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी है। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स मिलते रहे और आने वाले आगे फेस्टिवल लाइक दशहरा और दिवाली जैसे आपको फेस्टिवल्स के व्लॉग मिलते रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे, अब सीधा हम अपने आगे अड्डे के लिए चलते हैं। और दोस्तों मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैंने जैसा सोचा था ना वैसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। यहाँ पर मैंने सोचा था कि दशहरे के मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी होंगी और जैसे मैं आया तो तैसे ही पता लगा कि शुरू हो ही चुकी है। अरे ये तो कुछ नहीं है, जहां तक मेरा हाथ जा रहा है ना देखो दूर तक वहां तक जो है काफी सारे झूले लगेंगे और दशहरे के टाइम पे तो यहां पर इतनी भीड़ होती है कुछ कहा नहीं जाता। तो कितना जाम लगा हुआ है यहां पर, काफी मुश्किल होता निकालना। ये देखो अभी जो है यहां पर ट्रेन जा रही है सामने से, तो आज हम उसी से जाते हैं, उसी रूट से। तो सामने फाटक पड़ता है तो जहाँ से जितनी सारी ट्रेनें हैं वहाँ से जाती हैं। तो फाइनली हम जो है जमालपुर पहुंच चुके हैं और ये क्या है, यहाँ तो मेले की तैयारियां लगी नहीं रही, यहाँ तो बैट बॉल खेल रहे हैं सब। अच्छा अच्छा एक मिनट, वो ये पीछे है और जो मेले का ग्राउंड है वो दूसरा है। हाँ ठीक है, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था, डायरेक्ट मेरे को नजर पड़ी सीधा चंडोल पर और पता लगा कि यहाँ पर मेले की तैयारियां काफी धूमधाम से चल रही है। अच्छा तो गाइस मैंने आपको ना डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, अगर आप वहाँ पर टैप करेंगे तो आप सेम ऐसे ही ब्लॉग देखने को पाएंगे जो की पिछले साल के थे 2023 के और वो इसी जगह का मेला था और तकरीबन मेरे हिसाब से तो 50% कम्प्लीट हो ही चुका है। चलिए अब आगे अंदर चलते हैं मेले की तरफ। ये देखो दूर से दिखने वाला ये बड़ा सा चक्का, आगे जाके हमें चंडोल दिखेगा और ये थाली जिसके अंदर लोग गोल गोल घूमते हैं, इसमें भी घूमने में काफी ज्यादा मजा आता है। फिर हम आगे चल जाते हैं, यहाँ पर देखो ये है हमारी टेढ़ी थाली। मजाक से हटके ये है एक स्लाइडिंग व्हील जो कि एक तिरछी डायरेक्शन में चलता है जिसको झूलने में काफी ज्यादा मजा आता है। अब हम आगे चल जाते हैं तो वहां पर हमें कुछ लग रहा होता है जैसे कि रावण बन रहा है, पर जब हम आगे जाके देखते हैं ना तो वो रावण नहीं कुछ और था। चलो देखते हैं आगे चल के। ये देखो ये है अपने बच्चों के जैसे दिखने वाले जानवर, बच्चों के लिए झूलने वाले जानवर। और ये देखो ये है अपना मौत का कुआं जहां पर मैं बहुत बारी मोटरसाइकिल चला चुका हूं, बहुत ही आसान होता है। तो अब हम आगे चलते हैं उस मिस्ट्री को पता करने की, वो रावण है कि क्या है। पीछे से देखने में तो ये एरो लग रहा है, कभी रावण लग रहा है और कभी हमारा एरोप्लेन लग रहा है। तो चलिए आगे चल के देखते हैं कि वो एक्चुअली है क्या और हम आ चुके हैं उस चीज को डिस्कवर करने। बट उससे देखने से पहले हम इन झूलों को देख लेते हैं काफी करीब से। तो देखो अभी पूरी ऑलमोस्ट तैयारियां ही चल रही है, मतलब अभी कोई स्टार्ट नहीं हुआ। फिर मेरे को आगे और पीछे पूरी तरह से देखने में पता चला कि ये एक एरोप्लेन बनाया जा रहा है। जैसे कि अमृतसर में आपने देखा होगा कि एरोप्लेन में एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है, वो ऐसे ही एकदम इसमें बनाया जा रहा है कि दशहरे के टाइम पे लोग आए और यहाँ पर अंदर फ्री में खाना खाए और उड़ जाएं, मतलब एरोप्लेन के सपने में उड़ जाएं। अब यहाँ पर देखो तो ये है एक ऐसा एरिया जहाँ पर सर्कस दिखाया जाता है। आपने बहुत सारे सर्कस देखेंगे पर ये आम सर्कस की जगह बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है। ये देखो हर मेले में कम से कम 1 से 2 ही चंडोलिया किश्ती लगती है, पर यहाँ पर जब आप देखेंगे, यार इससे पहले आप इस ऊंट को देखो, मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जब ऐसे लोगों को जो है कैद कर रखा जाता है। ऐसे लोगों को हम कुछ कह नहीं सकते और जो अपनी हरकतों से है वो अपने बाज नहीं आने वाले, तो इनको इससे अच्छा इग्नोर करके हम आगे चलते हैं। तो ये देखो आपने जो है इस वीडियो में 100 बार ही देख चुका चंडोल, दोबारा से 101 बार में देख लो। अच्छा मेरे को कमेंट करके बताना है कि आपको इनमें से कौन सा अच्छा लगता है, चंडोल या किश्ती। तो चलिए अब हम उस हवाई जहाज को डिस्कवर कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर एक वेल्डिंग लोहे से करी जा रही थी और उसके बाहर से इसके ऊपर बटर पेपर लगाए जा रहे थे जो कि काफी देखने में स्मूथली लग रहे थे। अभी इस एरोप्लेन के अंदर इंजन लगेंगे और हमारे इंजीनियर जो है वो पूरे जोरों शोरों से काम में लगे पड़े तो हैं। ये फ्लाइट जो है जमालपुर से निकलकर पूरी मिल्की वे गैलेक्सी की राइड दिलाएगी। तो जिसने भी जाना है जमालपुर में आज 750 रुपए टिकट है और अंदर जाइए और पूरी मिल्की वे गैलेक्सी का नजारा लीजिए। अरे अरे रुको रुको, वो तो रह गया एक्वेरियम फिश टूर, जहाँ पर आपको अमृतसर में जैसे की देखने को मिलता है वहां पर अभी इस मेले में
भी लगाया जा रहा है, जहाँ पर आपको अपनी एक गुफा की तरह मिलेगी और उसके ऊपर जो है पूरी सारी मछलियों से भरा पड़ा होगा। तो अंदर जाने की एंट्री तो रिस्ट्रिक्टेड थी, तो हम बाहर से ही हमने जूम करके दिखा दिया। वैसे अपने अच्छे तरीके से पूरा जो है अभी ये बना नहीं है, बट आगे चल के जो है दशहरे के टाइम पे पूरा अच्छे से बन जाएगा। अरे ये इस ब्लॉग का मेन मकसद है कि अभी दशहरे की तैयारियां कैसे चल रही है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी टेंशन मत लीजिए, अभी मैं और आऊंगा दोबारा जिस दिन दशहरा होगा या उससे एक दिन पहले, और उसका भी ब्लॉग आपको इस चैनल पर देखने में मिलेगा। तभी कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लो। शायद आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी कि आप ये जो पूरी रोड देख रहे हैं ये दशहरे के टाइम पे पूरी लोगों से भरी पड़ी होती है, पैर रखने की जगह नहीं होती यहाँ पर। तो चलिए हम अपने सफर को जो है आगे बढ़ाते हैं और बाहर से कुछ नजारा इस तरह का देखने को हमें मिलता है। अच्छा, तो मेरे कई सब्सक्राइबर्स ने मुझे बोला था कि जो आपको ये पिछले साल का जो आपने ब्लॉग डाला था दशहरा का वो काफी छोटा था, तो अगर आप चाहते कि आपको बड़ा ब्लॉग देखना है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए, तो हमें पता लग जाए कि आपको ज्यादा शॉर्ट्स देखने हैं या ज्यादा लॉन्ग ब्लॉग देखने। तो यहाँ पर जो जितना सारा दशहरा लगता है यहीं से सारी मार्केट जो है शुरू हो जाती है, यहाँ से भरकर पूरी वो गली तक मार्केट लगी रहती है। और आगे जाके आपको एक चीज दिखाऊंगा जहाँ पर जो है रामलीला की तैयारी चल रही है, तो ये बस कुछ सेकंड में आने ही वाला है। तो ये देखो, ये है मंदिर और उसके बगल में रामलीला के यहाँ पर तैयारी होती है, जो कि दशहरे के दिन हमें सबको दिखाया जाता है। हाँ जी, तो गाइस ये था अपना दशहरे की तैयारी वाला व्लॉग जी। हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते कि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग देखने को मिले तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को जो है लाइक करके जरूर जाना।